CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है भारत की महिला संत कवियत्रियां। साथियों, इस श्रृंखला में भारत की महान संत कवित्रियों की लोक भाषा में लिखी रचनाओं को प्रस्तुत किया गया है। इन रचनाओं में भक्ति को प्राथमिकता दी गई है और भक्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। इन संत कवित्रियों ने अपनी इन रचनाओं के माध्यम से समाज में प्रेम, समानता और भाईचारे पर जोर दिया है। आज के युग में भी इन रचनाओं का गहन महत्व है। समाज की कुरीतियों को दूर करने में भी इन रचनाओं का योगदान प्रशंसनीय है। कई महान संगीतकारों ने इन पदों को शास्त्रीय एवं लोक संगीत में पिरोया है, जो समाज के हर वर्ग के लोगों के हृदय को छूता है। विभिन्न कार्यक्रमों में भी इनकी प्रस्तुति की गई है। लोगों का रुझान इन कविताओं में अत्यधिक रूप से देखा गया है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भी इनकी कविताओं को भजनों के रूप में लोकप्रियता प्राप्त है। लोगों का मानना है कि इन कविताओं में जीवन जीने का राज है तथा मानवीय मूल्यों को सम्मिलित किया गया है। मानसिक शांति और तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये रचनाएं आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। इस क्रम में मीराबाई, गंगा सती, कानोपात्रा, सोहराबाई, अव्वैयार, अंडाल, अक्का महादेवी और लालेश्वरी की कविताओं को सम्मिलित किया गया है। इन कविताओं में भारत की विभिन्न भाषाओं का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जैसे राजस्थानी, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़ और हिंदी। ये प्रस्तुति एक छोटा सा प्रयास है। शिक्षक और विद्यार्थी इन विषयों पर परियोजना कार्य कर सकते हैं एवं करवा सकते हैं। तो आइए इन भजनों का आनंद लें।